हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्लब। मैं सोना रामकेश। आज की वीडियो में मैं आपको कैरेटीन ट्रीटमेंट करके दिखाने वाली हूँ खुद का। मैं कर चुकी हूँ और वही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया अपना खुद का कैरेटीन घर पे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ। चार चीज़ें हमें चाहिए होंगी कैरेटीन के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे ग्लव्स, ठीक है, और दूसरा क्रीम, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्रीम हमें चाहिए होगी। तीसरा है ब्लो ड्रायर, हमें हेयर ड्रायर की ज़रूरत होगी। और फोर्थ इज़ हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है, आयरन, फ्लैट आयरन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये चार चीज़ें। अगर आपके पास हेयर स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर ना है तो आप एक दिन के लिए कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं इन चीज़ों को इजीली। मेरे पास थे अपने, तो मैंने अपने यूज़ किए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने खुद के बाल आपको दिखा दूँ कैरेटीन से पहले कैसे थे, ताकि आप खुद कंपेयर कर सके कैरेटीन ट्रीटमेंट पूरा देखने के बाद की बाल, यू नो, बिफोर और आफ्टर को आप कंपेयर कर सके। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे बाल देखो जो पहले कैसे थे कैरेटीन से पहले। तो स्टेप नंबर वन से शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर वन है सेक्शन करना बालों का। हम चार सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे अपने बालों को, जैसा भी आप कंफर्टेबल रहें। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं सेक्शंस, पर चार तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चार सेक्शंस में सबसे पहले मैंने अपने बालों को डिवाइड किया। आप देख सकते हैं मैंने कैसे किए हैं डिवाइड। लक्स लीज की जो क्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी हम बोल सकते हैं कि स्मेल इतनी इरिटेटिंग है हद से ज़्यादा, इसीलिए मैंने पूरे वीडियो में मास्क का यूज़ किया है। तो आपको मैं बता दूँ, आप मास्क पक्का यूज़ करना अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं, अगर आप घर पे ये कैरेटिन ट्रीटमेंट करने वाले हैं। बहुत ईजी है कैरेटिन ट्रीटमेंट करना, बजाय कि आप सैलून जाएँ और इतने पैसे दें, घर पर ही कर लेना सबसे परफेक्ट है। घर पर करना, देखो उससे पैसे भी बचते हैं और ऑब्वियसली कम नहीं बचते, बहुत ज़्यादा बचते हैं। अगर हम कैरेटीन करवाते हैं तो कम से कम आप मान के चलो 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा है, अगर ये अगर आपकी लेंथ है बालों की तो। अदरवाइज़ बढ़ते जाएंगे प्राइसेस अगर आपकी इससे भी ज़्यादा लेंथ है तो, समझ रहे हो। तो घर पे ही करना बेटर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना। मैंने इसमें मास्क का यूज़ कर रखा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, तो मैंने मास्क का यूज़ कर रखा है शुरू से आखिर तक। आई थिंक स्ट्रेटनिंग करते हुए मैंने मास्क का यूज़ नहीं किया, और वैसे पूरी वीडियो में कर रखा है। अब करेंगे बात स्टेप नंबर टू की, जिसमें हम क्रीम अप्लाई करेंगे। और क्रीम को हम अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम अप्लाई करनी है हमने, और नीचे की तरफ थोड़ी सी कम, ठीक है। उसके बाद में हम इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इमल्सिफिकेशन मतलब हर स्ट्रैंड में मतलब क्रीम अच्छी तरह पहुँचा देना। इस तरह से सेक्शन लेंगे, मैंने आपको दिखा रखा है, वही देख लेना। इस तरह से हम ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इमल्सिफाई कर देंगे, फिर मसाज देंगे उसको अच्छी तरह, ताकि हर बाल में यू नो क्रीम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए।
क्रीम लग चुकी है अच्छी तरह से बालों में। एक बारी फिर से मैं आपको पूरा व्यू दिखा दूँ पीछे का कि किस तरह से क्रीम लगी हुई है, और यू नो ऊपर से नीचे तक बराबर लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ज़्यादा लगी है नीचे कम लगी है, आप एक बार देख लो। बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, इसमें हमें फॉइल पेपर की जरूरत होगी या फिर क्लिंग रैप की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फॉइल पेपर हर किसी के घर में मिल ही जाता है लगभग। तो अब बात करेंगे हमें ये चाहिए क्यों, क्या यूज है फॉइल पेपर का। देखो ये क्रीम जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है अपने बालों में, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये हीट जो है हमारे बालों में ही रहे, तो ये फॉइल पेपर आपके बालों में हीट को ट्रैप करके रखेगा, ठीक है। कितनी देर तक हम इसको अपने यू नो हेड के ऊपर रखेंगे, 30 मिनट्स के लिए रखेंगे हम। वो लोग रखेंगे 30 मिनट्स के लिए जिन्होंने पहले कोई ट्रीटमेंट ले रखा हो, मतलब कोई भी आपने केमिकल यूज़ करवाया हुआ है बालों में, मतलब रिबॉन्डिंग कराई है। जैसे मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी तो मैंने 30 मिनट्स तक के लिए ही रखा ये अपने बालों में, उसके बाद मैंने रिमूव कर दिया था। आप अगर मतलब ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई केमिकल यूज़ नहीं कराया, कोई भी डाई नहीं करवाई है अपने बालों को, कभी कलर नहीं कराया, तो आप 45 मिनट्स तक उसको रखेंगे। अदरवाइज़ आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया है या फिर आप अपने बालों को कलर करते हो या फिर ज़्यादा स्ट्रेटनर का यूज़ करते हो, आप 30 मिनट्स तक ओनली अपने बालों में इसको अप्लाई करेंगे, रखेंगे, अदरवाइज 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, हमें ब्लो ड्राई करना है अपने बालों को, अच्छी तरह सुखा लेना है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। अच्छा, इस तरह से हम बालों को सुखाएंगे कि कोई वेव नहीं रहनी चाहिए अपने बालों में, ठीक है, या आप कॉम की हेल्प ले सकते हैं, कैसे भी करें कोई वेव ना रहे बस आपके बालों में, ठीक है। अच्छी तरह से सुखा लेंगे, कोई वेव नहीं रहनी चाहिए आपके बालों में इस स्टेप के दौरान। बात करते हैं फाइनल स्टेप की, जो सबसे मेन स्टेप है, स्टेप नंबर 5। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे हेयर स्ट्रेटनर को, ठीक है। तो हम हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करने वाले हैं, 220 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसका टेम्परेचर, अराउंड 220 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन कर लेंगे छोटे छोटे, उसके बाद में स्ट्रेटनर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्ट्रेटनर यूज़ करते क्यों हैं, क्यों हम फ्लैट आयरन यूज़ करते हैं कैरेटीन के दौरान? देखो, ताकि ये क्रीम आपके बालों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाए, इसीलिए हम फ्लैट आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, आपको मैं फाइनल लुक दिखा दूं हेयर स्ट्रेटनिंग का, एक बारी देखिए। तो ये था हेयर स्ट्रेटनिंग का फाइनल लुक। अब बात करेंगे, हमें 3 दिन तक ऐसे ही बाल रखने हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल खुले रखेंगे हम बालों को, नहीं तो कान के पीछे लेके जाएंगे, लाइक इस तरह हम बिल्कुल नहीं करने वाले 3 दिन तक, ठीक है, कोई वेव नहीं आनी चाहिए बालों में। 3 दिन तक हम नॉर्मल रहेंगे, बाल बिल्कुल खुले रखेंगे, ना ही कोई क्लिप यूज़ करनी, ना ही कोई क्लैक्चर, कोई पिन, कुछ यूज़ नहीं करना, कोई फाउंडेशन नहीं देनी बालों को हमने 3 दिन तक, ठीक है। उसके बाद में एक बार फिर हेयर वॉश होगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा कैरेटीन ट्रीटमेंट का। ये सिर्फ स्ट्रेटनिंग का था, और हम बोल सकते हैं कि क्रीम अप्लाई करी थी तो वो लुक है उसका, ठीक है। अब बिल्कुल फाइनल लुक की अगर मैं बात करूँ आपको, तो 3 दिन तक हमें क्या क्या नहीं करना मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दूँ। क्लिप वगैरह नहीं लगानी, कोई क्लैक्चर वगैरह यूज़ नहीं करना, कुछ यूज़ नहीं करना, कोई फाउंडेशन नहीं देनी बालों को, बिल्कुल खुला रखेंगे। इवन इतना भी नहीं करना कि हमें कान के पीछे कर लिए बाल, ठीक है, इस तरह से भी नहीं करना। और रात को सोएंगे तो कैसे सोएंगे, बालों को पीछे करके, लाइक बिल्कुल पीछे करके और सो जाएंगे, समझ रहे हो आप, इतना तो समझते ही हो, ठीक है। उसके 3 दिन बाद हमने हेड वॉश करना है। हेड वॉश कैसे करना है, मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं पूरा बताने लगूंगी, तो आप अगर चाहते हैं मैं आपको फिर भी इलेबोरेट कर देती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमने शैम्पू करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए, कोई सल्फेट नहीं होना चाहिए शैम्पू के अंदर, वो वाला हम शैम्पू यूज़ करेंगे। लक्सलीज की क्रीम के साथ जो इसी कंपनी का शैम्पू आता है वो मंगा सकते हैं, मैंने वो नहीं मंगाया था। आप कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आप हेड वॉश करेंगे, सबसे पहले हम शैम्पू यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मास्क अप्लाई करेंगे अपने बालों पे, उसके बाद में सीरम का यूज़ करेंगे। अगर आपको फिर भी जानना है कि इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी कि किस तरह से हेड वॉश करनी है हमने, ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने देख नहीं रखी तो ज़रूर देखना, क्योंकि यार देखो इतनी मेहनत होती है कैरेटिन ट्रीटमेंट पे, फिर हम ख़राब कर बैठेंगे, ठीक है, तो वो ख़राब नहीं करना है, एक बारी देख लेना है हेड वॉश करने से पहले भी कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ अपने कैरेटिन ट्रीटमेंट का। 3 दिन बाद जब मैंने हेड वॉश किया, तो फाइनल लुक आप देख लो बाल कैसे लग रहे हैं मेरे, ताकि आप बिफोर और आफ्टर को अच्छी तरह से कंपेयर कर सके। तो देखिए, देखो अब मैं आपको बता दूं किसको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैरेटिन ट्रीटमेंट, और किसको नहीं लेना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं बता दूं किसको लेना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ले रखा है, जैसे वो रीबॉन्डिंग हो, या फिर स्मूथनिंग हो, या फिर कोई हेयर कलर आपने लिया हो, या फिर आप रेगुलर आयरन रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर आप स्ट्रेट करते हैं अपने बालों को फ्लैट आयरन से, या फिर ब्लो ड्राई करते हैं रोज, ठीक है, आपको ये ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बाल डैमेज हो सकते हैं अगर आप यही करते रहे, जैसे स्ट्रेटनर का यूज़ करते रहे या फिर रीबॉन्डिंग कराते रहे। तो आपको कैरेटिन ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, ताकि बालों में प्रोटीन बना रहे, समझ रहे हो। अब बात करते हैं किनको ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। जो मेहंदी लगाते हैं अपने बालों में उनको नहीं लेना चाहिए ट्रीटमेंट, या फिर जो अपने बालों को डाई करते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको कैरेटिन ट्रीटमेंट से करीबन 1.5 से 2 महीने पहले आपने ये करना छोड़ना पड़ेगा, डाई करना अपने बालों को या फिर मेहंदी लगाना, ठीक है, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये कितने समय तक अपने बालों में काम करता है, कितने समय तक रहता है कैरेटिन ट्रीटमेंट। तो देखो 2 से 5 महीने ये इजीली आपके बालों में रह सकता है, अगर आप अच्छे तरह से केयर करते हैं अपने बालों की, तो ये 2 से 5 महीने वर्क करेगा आपके बालों में। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, जैसे मेरे बाल अगर आप देखो बहुत पतले हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पर बाल बहुत पतले हैं, तो मेरे बालों में सिर्फ ये 3 से 4 महीने काम करेगा, 5-6 महीने नहीं बोल सकते, तो इस तरह से काम करेगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है सारे। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।